Hello students, welcome to Ganesh Coaching of Education. Today we will discuss about electrostatics. Okay? In electrostatic, we mainly focus about electric charge and electric field. This is your first chapter. Electric charge and electric field. In this topic, first we will discuss about concept of charge, means what is charge, definition of charge, okay, charge kothu asila, plus different kinds of charges, value of charges, whether it is a scalar quantity or vector quantity, okay, and different properties of charges, ways of charging a body, okay, then we will do some problems, okay. Now, in our day-to-day life, we all feel about electric charges, okay. When I am rubbing a glass rod with a silk cloth, okay, silk cloth, then I will see or we will see that it can attract small pieces of paper, okay, small pieces of paper. When we use our plastic comb, when it passes through our dry hair and when there are some small pieces of paper also there, when we see it, means it is able to attract that small pieces of paper. Means the rubbed substances. In these cases, the rubbed substances are our plastic comb and the glass rod. Okay. Semane kon kurchanti na small pieces of paper ko attract kurchanti. बुझेगा कि रब्ड सब्सटेंस होची हमर के प्लास्टिक कम रहला एंड ग्लास रोड रहला कहा को अट्रैक्ट करले स्मॉल सब्सटेंस लाइट ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करले बुझेगा एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ दिस रब्ड सब्सटेंसेस व्हेन दे अट्रैक्ट द स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर और एनी अदर लाइट ऑब्जेक्ट्स इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी ओके देन इलेक्ट्रिसिटी रे डेफिनेशन हैला लिखो इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअली इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ रब्ड सब्सटेंसेस रब्ड मीन्स आम जो सब्सटेंस को घसीबा बुझीला तो कौन लिखा द प्रॉपर्टी ऑफ रब्ड सब्सटेंसेस The property of rubbed substances due to which they are able to attract small light objects. मतलब हल्का जितने के हमारे object रहेला small light objects is known as electricity. Electricity is a property. Mujhela? Then we will see the rubbed substances have become electrified or we can say that they are electrically charged. Okay? They are said to be electrically charged substances. Okay? Tale kon hela? Ame plastic comb ko use kale. हला मथा कोंडेले आमे डे टू डे लाइफ रे आमे यूज करू जे तो एडा हमर एक्चुअली पिला बडे एक्सपेरिमेंट आमे करी आसछु तो स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर अछि तो स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर आर लाइट ऑब्जेक्ट्स तो से कोन कला ना प्लास्टिक कॉम जो अछि से ताको अट्रैक्ट करिवो हला माने स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर किछि जति के अछि ता भितरु कोन हबो किछि हमर पानी रे सेठी लागि जिवो हला तो जो रब्ड सब्सटेंस रहला रब्ड सब्सटेंस माने कहा को हमें घोसिले पानिया को माने प्लास्टिक कम सी एठी कोन हिजो रब्ड सब्सटेंस तो सी ए प्रॉपर्टी टा शो करेबो कोन ना स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करिवो और एनी सपोज हियर इज योर फाउंटेन पेन को जदी कोट स्लीव रे के रब करबे रब कला पर से लाइट ऑब्जेक्ट सब पेपर हो जदी मु चेक करिया पई चाहेबे तो किछ पेपर सेतरे लागि जिवो बुझियाला तो आमे हम डे टू डे लाइफ रे भी यूज कर छै सब जिंस तो ए प्रॉपर्टी को कहबा हमें कोन इलेक्ट्रिसिटी आ जो रब्ड सब्सटेंस
जो जो रब्ड सब्सटेंस आमर ए प्रॉपर्टी को शो करेबे आमे तो कोन कहबा दे हैव बिकम इलेक्ट्रिफाइड और इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड कोन लिखिबा द रब्ड सब्सटेंसेस एक्चुअली काहे के होचे देखो ड्यू टू फ्रिक्शन हला आमे पढिबा वेज ऑफ चार्जिंग ए बॉडी द रब्ड सब्सटेंस व्हिच शोज this kind of property okay they are known as or they have become electrified or electrically charged इलेक्ट्रिकली चार्ज बेसिक जिनस डे टू डे लाइफ कौन कौन एग्जांपल्स आम देपर है नेक्स्ट आम जब पढ़ापी जा कौन अच्छी ना चार्ज रहा हमें डेफिनेशन पढ़ा ठीक है गला व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी तो आम कहूनी जे इलेक्ट्रिसिटी ना तो आम फैन घूरूनी बुझीला तो ये इलेक्ट्रिसिटी डेफिनेशन कौन है The rubbed substances which shows the property by virtue of which they can attract the light objects is known as electricity. है ना? अबे हमें पढ़ेगा concept of charge. Definition of charge कौन होगा देखो? जेमिती, उड़ा object रो mass तारा उच्च कौन intrinsic property, inherent property, inborn property. हला जदि गोटे ऑब्जेक्ट अच्छी तार निहाती किछि ना किछि मास रहइबो हला ताले सेही भड़ा किछि ऑब्जेक्ट अच्छी किछि नय एक्चुअली ऑल ऑब्जेक्ट्स आमे कोन कहिबा जे ता पाखरे किछि ना किछि चार्ज अच्छी निहाती मे बी ताको भितरे कोन पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज इक्वल हे पारे तो आमे त कोन कहिबा न्यूट्रल बॉडी कहि देबा तो कि एमिति हे पारे किछि ऑब्जेक्ट रे हमर पॉजिटिव चार्ज लार्ज अमाउंट रे अच्छी हला किसी ऑब्जेक्ट आम नेगेटिव चार्ज लार्ज अमाउंट रे अच्छी हला तो कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज कौन कहबा हमें चार्ज एक्चुअली इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स एलिमेंट्री पार्टिकल्स मीन्स इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ओके न्यूट्रॉन जीव एलिमेंट्री पार्टिकल रे बट न्यूट्रॉन रा हमें पढ़िबा न्यूट्रॉन रा चार्ज एक्चुअली नहीं चार्जलेस पार्टिकल तेटी कौन है एलिमेंट्री पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स हला ऑफ एनी मैटर व्हिच डेवलप्स और व्हिच गिव्स राइज टू द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन एनी अदर ऑब्जेक्ट्स कौन है देखो इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स एटसेट्रा ऑफ एनी मैटर व्हिच गिव्स राइज टू द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द भेरियस ऑब्जेक्ट्स आमर जी भेरियस ऑब्जेक्ट रहा भितर कौ फोर्स डेवलप हे इलेक्ट्रिक फोर्स जेहेतु आम ये इलेक्ट्रिक चार्ज विषय कनसीडर करे आम पढ़ुचे तो आम से फोर्स को कौन कहवा द्वारा जो फोर्स डेवलप हम आम कहवा इलेक्ट्रिक फोर्स कहवा है हाँ जदि आम सपोज ये दिन मास अच्छी है मास अच्छी एम वन एम टू हला दुटा मास भितर आम कौ फोर्स डेवलप हे ये तो आम कहानी इलेक्ट्रिक फोर्स डेवलप होगा आम कौन कह जेनराली आम एटी ग्राविटेशनल फोर्स डेवलप होक्जाक्टली दुटा जदि आम चार्ज्ड बॉडी आम रोचे भितर कौ फोर्स डेवलप हे इलेक्ट्रिक फोर्स डेवलप हे ग्राविटेशनल फोर्स तेल कौन कह कनसेप्ट अफ चार्ज चार्ज रे डेफिनेशन कौन कौन आसो देख पूरा टोटाल आम चार्ज विषय में पढ़ा हला डेफिनेशन आसला द इट इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ और इंट्रिंसिक मीन्स ए प्रॉपर्टी केबे केही माने तैयारी करि परिबनी बुझीला जे एटा कोन गोटे ऑब्जेक्ट पाखरे गोटे बॉडी पाखरे ऑलरेडी इनबॉर्न क्वालिटी जमी कह जाए तो ये इनबॉर्न पाखे ये प्रॉपर्टी अच्छी है आम कि एक्सपेरिमेंट थ्रो रे कि कौन आम से जिनसटा को डेवलप करपरानी इट इज द इनहेरेंट और इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ
कहारेटा एलिमेंटरी पार्टिकल्स ऑफ एलिमेंटरी पार्टिकल्स एलिमेंटरी पार्टिकल्स भितर आम कौन कौन गला इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन को आम कनसीडर करूने जेहेतु न्यूट्रॉन्स रो चार्ज जीरो आम पढ़ा वैल्यू ऑफ चार्ज रे पढ़ा इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स एक्सेट्रा एलिमेंटरी पार्टिकल्स ऑफ मैटर मैटर व्हिच गिव्स राइज टू ए प्रॉपर्टी कौन डेवलप करेब ना इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन वेरियस ऑब्जेक्ट ना वेरियस ऑब्जेक्ट भितर आमर इलेक्ट्रिक फोर्स डेवलप करेब व्हिच गिव्स राइज टू इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन फोर्स बिटवीन वेरियस ऑब्जेक्ट्स आसगला आम चार्ज रो डेफिनेशन कौन इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंटरी पार्टिकल्स दैट इज इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स ऑफ एनी मैटर व्हिच गिव्स राइज टू इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन वेरियस ऑब्जेक्ट्स है आम कौन पढ़ा फेदर चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी है स्केलर वेक्टर कौन स्केलर मीन्स आमर कौन करवा ओनली जहाँ मैग्नीट्यूड आम मेजर कर पार्थवा दे हैव नो डायरेक्शन है लाइक तुमको कह जा आलू 5 के जी है सपोज मुझे लिखिली 5 के जी तो ओनली एटी कौन आम वैल्यू को मेजर करूचे मैग्नीट्यूड को नौचे आम डायरेक्शन नुने 5 के जी पोटाटोस इन ईस्ट डायरेक्शन आम तो एमती मेजर करूने ना तो डायरेक्शन आम नौने सपोज जदि ए बॉय गोज इन ईस्ट डायरेक्शन 5 मीटर है तेल ए कौन सपोज ये गोटे बॉय अच्छी ईस्ट डायरेक्शन रे जीव के 5 मीटर तेल तार पोजिशन ए रु पोजिशन बी को तो होम है पोजिशन ए रु पोजिशन बी को तार डिस्टेंस लेंथ के 5 मीटर तेल आम मेजर कलु जो से 5 मीटर तार कौन हो मैग्नीट्यूड हो कौ डायरेक्शन रे गला ईस्ट डायरेक्शन रे तो तार डायरेक्शन आमर कौन है ईस्ट बुझेगा ये होगा ईस्ट डायरेक्शन रे गला से ताहले एटा आमर कौन हो वेक्टर क्वांटिटी हो बुझेगा ना कौन स्केलर क्वांटिटी ओनली आम मैग्नीट्यूड मेजर करवा चार्ज केस रे एग्जैक्ट कौन ना चार्ज आमर गोटे स्केलर क्वांटिटी चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी इट इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी चार्ज रे एसआई यूनिट ऑफ चार्ज कौन कूलम सिंपलाइज्ड एच कैपिटल सी चार्ज को आम कमी सिंपल कर पारिबा सिंपलाइज्ड एच कैपिटल क्यू है चार्ज रे कौन हो डेफिनेशन आसला तापर चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम ओके देन वैल्यू ऑफ चार्ज आम चार्ज रो वैल्यू देखो वैल्यू ऑफ चार्ज मीन्स चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑन प्रोटॉन लिखिबा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रो चार्ज कौन हो वैल्यू के 1.6 वी ऑल नो दैट 1.6 into 10 to the power minus 19 unit coulomb. Khala charge on proton. Ame deba sign daba se pai worried one. Charge on proton. Kon na proton aur electron ro charge amara same means magnitude same achi. Hala tale same value 1.6 into 10 टू दि पावर माइनस 19 कूलम बट ये गला वैल्यू ऑफ चार्जेस है हाँ सपोज चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल नेलु आम अल्फा पार्टिकल
सिंपल लास्ट एच टू एच इ फोर ताले इटी कौन हेज टू इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कुलम दैट इज 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कुलम है एबे कौन पढ़ा डिफरेंट काइंड्स ऑफ चार्जेस काइंड्स ऑफ चार्जेस चार्ज इज डिवाइडेड मेनली इनटू टू टाइप्स दैट इज योर पॉजिटिव चार्ज एंड अदर वन इज योर नेगेटिव चार्ज है गोटे कौन आम पॉजिटिव चार्ज गोटे नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज एमती प्लस साइन रहा पॉजिटिव ऑलवेज प्लस साइन नेगेटिव नेगेटिव साइन है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रे जो चार्ज से नेगेटिव चार्ज है आम ये कौ साइन दवा नेगेटिव साइन दवा चार्ज ऑन प्रोटॉन है प्लस साइन पॉजिटिव चार्ज से प्लस साइन दे चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल्स ऑलवेज पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल अल्फा पार्टिकल इज ऑलवेज ए पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल तो ताकि आम कौन साइन दवा प्लस जाना से सैन लिखी नी कौन काइंड्स ऑफ चार्जेस टू टाइप्स आसे हूँ पॉजिटिव चार्ज एंड अदर वन इज योर नेगेटिव चार्ज तो पॉजिटिव चार्ज हूँ कह रहा चार्ज ऑन प्रोटॉन दैट इज देखो इलेक्ट्रॉन आ प्रोटॉन रो चार्ज रो वैल्यू सेम रहइबो मैग्नीट्यूड सेम रहइबो बट दे हैव डिफरेंट साइन साइन हमर डिफरेंट रहइबो गोटे जदि हमर नेगेटिव चार्ज रहला उडे पॉजिटिव चार्ज हला तले प्रोटॉन रो चार्ज हमर कोन पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन रो चार्ज नेगेटिव हला व्हेन ए बॉडी हैज इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओके व्हेन ए बॉडी और एन ऑब्जेक्ट हैज इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स द बॉडी इज सेट टू बी ए न्यूट्रल बॉडी आम तक कौन कह न्यूट्रल बॉडी कह न्यूट्रल बॉडी मीन्स द बॉडी और एन ऑब्जेक्ट हैव इक्वल नंबर ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स मीन्स दे हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स द बॉडी इज सेट टू बी न्यूट्रल बॉडी माने कौन है देख प्रोटॉन नंबर सेम रहइबो इलेक्ट्रॉन नंबर सेम रहइबो तो जितेटा प्रोटॉन रहइबो हमर कौन हेजो सेति कि प्लस चार्ज आसीगला जति कि इलेक्ट्रॉन रहइबो मीन्स सेम नंबर नेगेटिव चार्ज भी आसला तेल कौन है प्लस माइनस इक्वल है कैनसल डाउट तो कौन हो बडी आम कौन हो न्यूट्रल बॉडी देखो कैनसल डाउट है कि जीरो है कैनसल डाउट है कि जीरो है बस तार इफेक्ट आ गोटे इफेक्ट आम कौन बालान्स न्यूट्रलाइज होती कौन हे दि बडी द न्यूट्रल बॉडी हैज इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सपोज बडी आम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनक्रीज करगला तो कौन हम When a body has excess number of इरेज कर दो जे को When a body has excess number of इलेक्ट्रॉन्स आमर जदि इलेक्ट्रॉन्स नंबर बढ़ीगला मीन्स नेगेटिव चार्ज जदि आम बढ़ीज इलेक्ट्रॉन को आम जनरली कौन करुचे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल कहे तो कौन हम इलेक्ट्रॉन्स जदि आम इनक्रीज कर देन द बॉडी इज सेट टू बी ए नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी है से बॉडी को आम कौन कह नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी माने
सपोज ये गोटे न्यूट्रल बॉडी अच्छे कौन है इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अच्छे मैंने से इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज आम जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दबा प्रोवाइड करवा इलेक्ट्रॉन दबा मीन्स कौन बॉडी को आम नेगेटिव चार्ज अधिका देदे कौन है कौ चार्ज सब अधिका रहा नेगेटिव चार्ज अधिका रहा कौन हो गला से बॉडी को आम कौन कह नेगेटिवली चार्ज बॉडी है फेन ए बॉडी हैज सेकेंड कौन हम फेन ए बॉडी हैज एक्सेस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जदि आमर एक्सेस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ताले से बॉडी को आम कौन कह पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी जनरली आमर एठी गोटे न्यूट्रल ऑब्जेक्ट अच्छी न्यूट्रल मीन्स इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आम जब एक्सेस अमाउंट रहा को प्रोटॉन दबा ताले कौन हो से बॉडी को आम कौन कह पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी देख ठी एक्सेस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दबा लिखा जहाँ आम लिखिपर भी जे फेन सम इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड इलेक्ट्रॉन्स जदि आम गोटे न्यूट्रल ऑब्जेक्ट रिमूव कर दिजिव तो ता प्लेस मन कर इलेक्ट्रॉन्स गोटे रिमूव कर दिगला तो प्लेस कौ चार्ज डेवलप हो पॉजिटिव चार्ज तेल पॉजिटिव चार्ज कौन है डोमिनेंस ओवर द नेगेटिव चार्ज अल्सो से बॉडी को आम कौन कह पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी जाणीगला तेल न्यूट्रल बॉडी कौन न्यूट्रल बॉडी हैज इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओके देन नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी मीन्स द ऑब्जेक्ट और न्यूट्रल बॉडी व्हिच हैव ओके न्यूट्रल बॉडी रे जदि आम कौन करवा एक्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सप्लाई करवा ला व्हिच आर सप्लाइड बाय एक्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे आर नोन एज नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी व्हेन द बॉडी हैज एक्सेस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इट इज सेड टू बी पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी ला एबे आमे पढ़ेबा जे बेसिक लॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक आमे जानिगले जे चार्ज इज ऑफ टू डिफरेंट काइंड्स दैट इज वन इज योर पॉजिटिव चार्ज एंड अदर वन इज योर नेगेटिव चार्ज ना बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक मीन्स कौन द स्टडी ऑफ चार्जेस व्हेन दे आर एट रेस्ट हला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रे हमर कोन आसे चार्जेस आर एट रेस्ट तो जदि चार्ज हमर मोशन रे हम त कोन कहबा इलेक्ट्रो डायनामिक्स तो हम मैग्नेटिक फील्ड विषय रे पढिबा सो अछि परे देखबे बेसिक लॉज रे हमर कोन आसी जीवो चार्ज इज ऑफ टू डिफरेंट काइंड्स पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज रहला देखिबा कोन लाइक चार्जेस और सिमिलर चार्जेस और सेम काइंड ऑफ चार्जेस रिपेल इच अदर रिपेल इच अदर सेकेंड कौन आसब अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर मीन सेम नेचर पीपल कौन है ना करो ताको भीतर रिपल्सन हबो कथाबार्ता कटाकटी हबो जदि जणे आ जणक ठारु टिके कम डोमिनेट थिबो तले कोन हबो ताको भीतर बॉन्डिंग टा भले रहिबो हला एग्जैक्ट एठी चार्ज केस रे भी सेम तले कोन हला लाइक चार्जेस हमर सिमिलर चार्ज जो रहिबो मींस दिडा हमर आमे नै परबा पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज और दिडा नेगेटिव नेगेटिव चार्ज ताको भीतर कोन हबो रिपल्सन हबो हला आ सबले कोन जोठी चार्ज बॉडी रहा से कौन करना इलेक्ट्रिक फोर्स डेवलप कर चार्ज डेफिनेशन आम पढ़ले व्हिच गिव्स राइज टू इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन वेरियस ऑब्जेक्ट्स तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स डेवलप हम जदि आम पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज रहा नेगेटिव नेगेटिव चार्ज रहा दे रिपेल इच अदर तेल भितर कौ फोर्स डेवलप हम इलेक्ट्रिक फोर्स डेवलप हम बट कौ नेचर रिपल्सिव नेचर हियर द इलेक्ट्रिक फोर्स इज रिपल्सिव इन नेचर ये देख अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर
ऑन लाइक चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर है। तो एक केस रे ऑन लाइक चार्जेस मीन्स गोटे आम पॉजिटिव चार्ज रहा आ गए नेगेटिव चार्ज रहा भितर कौन हम को फोर्स डेवलप हे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप हे कौ नेचर अट्रैक्टिव इन नेचर ताले हमें कौन लिखा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अट्रैक्टिव इन नेचर ये आसो कौन अट्रैक्टिव इन नेचर कहीं है यहाँ हमारे बेसिक लॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स।